तो गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर में समारोह मनाया गया। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के अंबाला में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर विरोध स्वरूप ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस मार्च में किसान भारी संख्या में ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए। किसान पजोखरा साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर अपनी दिल्ली कूच को लेकर अरदास की। बता दें कि किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। ट्रैक्टर परेड के दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा, जिससे गणतंत्र दिवस के दिन कोई भी अशोभनीय घटना ना घटित हो सके। किसान यूनियन शहीद भगत सिंह गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च निकालकर गणतंत्र दिवस मना रहा है और सारे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की लाख लाख बधाइयां। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार को ये जताया जा रहा है कि आने वाली 13 फरवरी को किसान आंदोलन करने दिल्ली के लिए जा रहे हैं। सरकार कहीं ढीली ना रहे, पूरे पुख्ता पाबंद कर ले। किसानों को रोकना है या किसानों को दिल्ली जाना है, फैसला सरकार का है। हमने सरकार को संदेश आपके मीडिया राही दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इस पूरे प्रोग्राम को कवर किया है, मैं मीडिया का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम गुरमीत सिंह है, मैं जिला प्रधान किसान यूनियन शहीद भगत सिंह से हूँ। मेरा गांव माजरी है। आज मटेड़ी जट्टा से ये जो काफिला शुरू हुआ था ट्रैक्टरों का, थापर मछोंडा को होते हुआ विजय रतन चौक से अपना सीधा शहर से होता हुआ गुरुद्वारा पंजोखरा साहब जाएगा। वहाँ 13 फरवरी के लिए अरदास की जाएगी। महाराज के दरबार में भी हमने 13 फरवरी को दिल्ली कूच करना है। आप अपना मेहर प्रिया हाथ रखें गुरु महाराज जी, वो सबके समर्थ गुरु हैं, उनके चरणों में अरदास करनी बनती है। तो आज हम अरदास करेंगे 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने के लिए। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान के ऊपर आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस वाले दिन ट्रैक्टर परेड निकाली गई है किसानों की तरफ से। जो ये हमारे देश के शहीदों को, देश के जवानों को, देश के सिपाहियों को, देश के किसानों को समर्पित है आज की ये ट्रैक्टर परेड। और ये बड़े शांतमयी तरीके से और गौरवमयी तरीके से देश की सरकार को ये जताना चाहती है कि इस सरकार के अंदर देश का किसान दुखी है। और आज हम गणतंत्र दिवस वाले दिन परेड करके